तो गेमर्स लॉट फैमिली, आज का वीडियो काफी यूनिक और मजेदार होने वाला है। तो भाई लोग, वो डायलॉग तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आज लिटरली वही होने वाला है कि बाप वर्सेस बेटों की फाइट होने वाली। तो भाई देखते हैं कि कौन कौन बाप अपने बेटे को सही रास्ते में ला पाते हैं या फिर बेटे बाप के भी बाप निकलते हैं। तो चलो भाई लोग, मैच की स्टिपुलेशन डिसाइड कर लेते हैं। ये रहने वाला है, तुम लोग ना ऑटर्स हो ना, तुम लोग फर्स्ट ब्लड मैच कर लो। तो भाई रैंडी ऑटन और उसके पिताजी कॉयबॉय ऑटन कर रहे हैं फर्स्ट ब्लड मैच। आजकल रैंडी ऑटन मेरा काफी ज्यादा फेवरेट बनता जा रहा है भाई। जो परफॉर्मेंस गेमर्स डॉट की स्ट्रीम और वीडियोस में वो दिखा रहा है ना भाई, रैंडी ऑटन दिल से फेवरेट बनता जा रहा है मेरा। चलो भाई लोग, तीन फिनिशर दे देंगे ठीक है, ताकि मजेदार रहे। दोनों के पास आरक्यू रहने वाला है, देखते हैं। तो चलो भाई, मैच शुरू हो चुका है। फटाफट से कमेंट कर दो कि आप लोग किसके तरफ हो, बेटे की तरफ या बाप की तरफ। देखो भाई, रैंडी ऑटन का ना सारा मूव जाता है हेड पे, टोटल जितना भी मूव है ना सब हेड पे। ये मैच कभी भी खत्म हो सकता है। पप्पा से सीखा। ओ भाई साहब, पप्पा का आरक्यू के साथ कॉयबॉय ऑटन ने सीधा आरक्यू लगाया है। भाई साहब बोला, बेटा ज्यादा उछलो मत, मैंने ही आरक्यू सिखाया है तुम्हें। भाई लगता है कि रैंडी ऑटन के जो लेजेंडरी आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर है, उन्होंने अपने पप्पा से सीखा है, यानी बॉब ऑटन। पप्पा तो बहुत मार रहे हैं यार। This is the first blood match, तो अगर तुम लोगों को ब्लड निकाल रहे हो बॉब ऑटन। अच्छा, पप्पा ने अभी तक हेड पे सिर्फ आरक्यू दिया है और कुछ नहीं, हेड पे है भाई, बॉडी पे की हेड पे। ओ बॉडी पे। रैंडी ऑटन का हाथ येलो हो चुका है भाई सब। पप्पा ने तो कमाल कर दिया, सेकंड आरक्यू बचा लिया। बोला कि नहीं यार, मैंने भी कुछ परफेक्शन किया है पप्पा जी। और ये क्या, बच गया आरक्यू। ये क्या थूकने भाई, बाप ने थूकने की कोशिश की बेटे के मुंह पर, मां कसम ये क्या हो रहा है भाई। रैंडी ऑटन को तो उसके पिताजी काफी हद तक धो रहे हैं भाई। हेड पे अभी तक टारगेट नहीं कर रहे, ये गलत बात है। कैचिंग आरक्यू भाई, वी वांट कैचिंग आरक्यू। नहीं मिला, नहीं अभी तक रैंडी ऑटन की तरफ से सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ है और वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो देख, ओ अरे बाप का सब सेकंड आरक्यू लगा दिया, बेटा गया भाई। ओ भाई बाप का एटीट्यूड। पब्लिक ने बोल दिया, पब्लिक को बोल दिया कि यार हो सकता है कि रैंडी ऑटन रिटायर कर जाए और मैं आ जाऊं। रैंडी ऑटन भाई बाप का तो एटीट्यूड छा गया है। रैंडी ऑटन जाने वाले लगता है अपने बाप के हाथों। मां कसम, मैच खत्म। स्क्वैश का एक पॉइंट हो गया, वो भी स्क्वैश करके। भाई ये स्कोश हुआ मैच, पप्पा जी खुश हो गए भाई। भाई साहब कॉयबॉय ऑटन ने यार बापू की इज्जत रख ली। देखते हैं कि नेक्स्ट बाप बेटी की जोड़ी कौन सी आ रही है, लेट्स सी। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग रोड टू 30 के हैं और 30 के होने के बाद एक ऑसम Q&A की वीडियो आएगी। भाई एक सुपरस्टार तुम लोगों को याद होगा, जिसे हम लोग अक्सर जो रेगुलरली गेमर्स शॉट की वीडियोस देखते हैं, एक सुपरस्टार को हमेशा हम लोग पप्पा का बेटा बोलते हैं ठीक है। तो भाई आज ये जो मैच होने वाला है पप्पा और बेटा के बीच में, वो मैच कॉडी रोड्स और लेट डस्टी रोड के बीच में है भाई। तो देखते हैं कि डस्टी रोड्स अपनी लेगेसी कॉडी रोड्स को सिखा पाते हैं। मुझे लगता है कि डस्टी रोड नाराज है कॉडी रोड्स से, बेचारे पप्पा का सपना पूरा ही नहीं कर पाया। डस्टी रोड्स वी द वंस कर रहे हैं, मां कसम रोमन एक्स को बेटे की तरह मानते थे। मां कसम मैं बता रहा हूं, रोमन एक्स भी बोले थे कि डस्टी रोड मेरे जैसा बेटा चाहता। आप लोग नॉकआउट मैच कर लो एक, ठीक है। तो देखते हैं कि लेट डस्टी रोड अपने बेटे को सबक सिखा पाते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि बेटे को सिखाएंगे कि देखो ऐसे मैच किया जाता है, ऐसे टाइटल जीता जाता है। दो फिनिशर दे देते हैं, हाई रखते हैं हेल्थ, और इन दोनों का नहीं, एक्चुअली तीन फिनिशर दे देते हैं। चलो मजा आएगा, तीनों फिनिशर लगेगा ना बैक टू बैक और मजा आएगा। तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग किसके तरफ हो, पप्पा टीम या बेटा टीम, किसके तरफ हो आप लोग। तो चलो भाई लोग, तीन फिनिशर के साथ मैच हो चुका है चालू। क्रॉस रोड्स वर्सेस डस्टी रोड्स, यानी कि कॉडी रोड्स वर्सेस रोड्स। भाई गोल्डस्ट अब देख रहे हैं मैच बैठ करके कॉर्नर पे कि कौन जीतता है। भैया कॉडी रोड्स के पप्पा आ चुके हैं यहाँ पर। पप्पा ने क्रॉस रोड, भाई साहब सीधे क्रॉस रोड लगाया और नॉकआउट मैच है, यानी बैक टू बैक दूसरा क्रॉस रोड भी पड़ेगा। सेट रॉलिंस वाली हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, तीन बार गया बेचारा, अब उठ जाएगा, अब स्टंट खत्म हो जाएगा। पर अगर बचाया नहीं तो स्क्वैश मैच मिल जाएगा। नहीं बचा लिया, बचा लिया भाई। बेटों को अपनी मम्मी याद आ जा रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है भाई। अब देखो फिनिशर ओवर हो चुका है डस्टी रोड्स के पास, तो हो सकता है कि कॉडी रोड्स थोड़ा देर तक सर्वाइव कर जाए। और मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि बॉब ऑटन के चक्कर में बाबू का स्कोर है एक, बाबू का स्कोर हो चुका है एक। और भाई लगता है आजकल बेटा, बेटे ने टीम बेटे ने फिनिशर पहला लगा दिया, स्क्वैश नहीं हुआ। चलो ठीक है, बच गया। लेकिन याद दिला देता हूँ, स्क्वैश का भी तीन पॉइंट है अगर पहली फिनिशर। और मां कसम गया, लगता
पिताजी ज्यादा मानते थे इसको, ठीक है। तो कॉडी रोज ने बेटों की लाज रख ली है और बेटा टीम बेटे का स्कोर है 1 और टीम पप्पा का स्कोर है 1। चलो देखते हैं कि अब कौन सी बाप बेटी की जोड़ी है। ये काम करते हैं, बिगड़े हुए बाप के बेटे को ले आते हैं और बिगड़ा हुआ बाप को भी लेके आते हैं। चलो ठीक, तो चलो भाई देखते हैं कि अब कौन सा बेटा टीम बेटे को जिता पाता है या पप्पा टीम पप्पे को जिता पाता है। बिगड़े हुए बाप का बेटा और वो बिगड़ा हुआ बाप दोनों आने वाला है, ठीक है, दोनों आएंगे। आओ भाई बिगड़े हुए बाप, आप ही आ ही जाओ भाई। मिस्टर मैकमैन आ चुका है, बापों का बाप मिस्टर मैकमैन और बेटों का बेटा शेन मैकमैन। भाई ज्यादा अगर बोलेगा शेन मैकमैन तो अंडरटेकर को बुला करके ले। अच्छा ये मैच रियल में भी हो चुका है, ये मैच रियल में WWE में हो चुका है, जिसमें आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मिस्टर मैकमैन जीते थे। एक काम करो आप लोग नॉर्मल पिन का मैच कर लो, ठीक है, वो सही रहेगा। फॉल्स काउंट एनीवेयर ऑन कर देते हैं, नॉर्मल पिन का मैच कर लो और हेल्थ थोड़ी मीडियम। स्कोर याद रखना, टीम बेटे का स्कोर है 1 और टीम पापा का स्कोर है 1। तो मिस्टर मैकमैन वर्सेस शेन मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन लॉकर रूम में देख रही है कि कौन जीतता है। ट्रिपल एच की भी नजर है, तो भाई जो जीतेगा उसे ट्रिपल एच कॉन्ट्रैक्ट देगा WWE में रिटर्न। स्टनर टाइम इट्स स्टनर टाइम भाई, स्टार्टिंग में ही स्टनर लगा दिया। पिन कर 1 2 किक आउट, बेटे ने किक आउट कर दिया है लेकिन पापा काफी जोश में। मैन को भी हल्के मत लेना, अंडरटेकर से फाइट करिए। सेकंड स्टनर ले हल्के में ले। ओ भाई रेजेंस दिया, रेसलमेनिया में जो अपनी बॉडी दिखाई थी ना मिस्टर मैकमैन ने। 1 2 ओ रेजेंस गया। ओ माय गॉड, मिस्टर मैकमैन के पास रेजिलेंस ही नहीं है। ये देखो थर्ड फिनिशर पड़ गया ना, नहीं पड़ेगा, बचा लेने चाहिए, बचा लेना। और फिनिशर एकदम नहीं है, लगता है कि पिछले मैच वाली जो मेमोरी है वो रिफ्रेश होने वाली। लेकिन शेन मैकमैन एक नॉर्मल मूव में भी यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं, इतनी कम हेल्थ है। रेफरी चीटिंग कर, देखो मिस्टर मैकमैन एक काम करो, तुम्हारे लिए चांसेस तभी बढ़ेंगे जब तुम एक फिनिशर रिवर्स करोगे, रिवर्स करने का ट्राई करो। शेन मैकमैन ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं लगाया है भाई, कोस्ट टू कोस्ट अगर एक भी लगा तो आई थिंक मिस्टर मैकमैन जा सकते हैं। ओ भाई सेट हो रहा है क्या? नहीं सेट नहीं हो रहा है, ये बाप बेटा दोनों नीचे जा चुका है। मुझे लगता है ये मैच लंबा चलने वाला है। फॉल्स काउंट एनीवेयर है, टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को बिल्कुल भी, कहीं भी पिन हो सकता है। पापा ने बोला ओ बेटे कहां जा रहे हो, मैं तो यहां पर हूं। देखो मिस्टर मैकमैन अगर तुम अटक गए ना तो फिर मैटर हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर मैकमैन के बाद फिनिशर आने वाला है और मुझे डर है कि शेन मैकमैन कभी भी नॉर्मल पिन हो सकता है शेन मैकमैन का, और टीम पप्पा का 2 स्कोर हो सकता है। पिन कर सब, सिग्नेचर आने ही वाला है, फिनिशर भी आ जाएगा। 5-6 मूव्स के बाद फिनिशर आ जाएगा और स्टंट होने वाले शेन शेन चचा स्टंट नहीं स्टंट अभी नहीं, कभी भी शेन मैकमैन पिन हो सकता है शेन मैकमैन का, लगता है स्टंट। ओ भाई साहब बाप का मुक्का बेटे के मुंह में, आप खुली छूटे भाई, अब जो करना करो खुली छूटे। लूप लो आ गया, आई थिंक लूप लो अगर मार करके पिन करवा लिया तो बाप ने अटैक किया बेटे पे, बेटे अपने खानदान पे हमला। शेन मैकमैन ने जोश में, शेन मैकमैन ने अभी तक एक आई थिंक फिनिशर लगा दिया है भाई, हेल्स गेट द अंडरटेकर का हेल्स गेट फिनिशर लगा दिया है। टैप आउट अगर कर दिया मिस्टर मैकमैन ने, रेजिलेंस भी नहीं है, अगर टैप आउट कर दिया तो बेटों का 2 स्कोर हो जाएगा और पिन भी हो सकता है। टैप आउट नहीं भी किया तो गिरा के पिन भी करवा सकता है मिस्टर मैकमैन का। मिस्टर मैकमैन के पास सिग्नेचर आ चुका है, एक फ्री पिन या सिग्नेचर में पिन और शेन मैकमैन चले जाएंगे। ओ भाई सब सिग्नेचर, पेडिग्री टाइम, डबल रिवर्सल है, सिग्नेचर गया, मैच खत्म सीधे। अरे नहीं, पिन करवाना पड़ेगा मिस्टर मैकमैन, कुछ भी करके पिन करवाना पड़ेगा, आउट जाइए नहीं तो कांड हो जाएगा, कुछ भी करके पिन करवाना होगा। पिन पिन हिम, ओ भाई साहब बेटे को एक और गलत मूव था, ये बहुत गलत मूव था, फर्स्ट काउंट एनीवेयर था, आप पिन करवा सकते थे नीचे। ये है बाप का ओवर कॉन्फिडेंस जिसने बेटे को एक और मौका दिया है। पक्का कांड है, बाप लोगों का एक स्कोर होने वाला है। 1 2 3 ओ भाई 2 और 1 क्या अभी तक चल रहा है, लीड पे हैं बाप लोग, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाप का स्कोर है 1 और नहीं, बाप का स्कोर है 2 और टीम बेटे का स्कोर है 1। मिस्टर मैकमैन को मिलने वाला है WWE का कॉन्ट्रैक्ट और वो रेसलमेनिया में फिर दोबारा फाइट करने वाले हैं। अब देखो बात ये है ना कि अब आ रहा है एक बहुत ही नालायक बेटा, बहुत नालायक बेटा है, ठीक है, और बाप तो बहुत सुधरा हुआ, क्या ही तो चलो देखते हैं भाई कि अब बाप बेटे की कौन सी जोड़ी यहां पर आती है। तो बुयाका आ जाओ, तो भाई रे मिस्टीरियो यहां पर आएंगे और मामी का लाडला यानी कि हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो डोम डोम यहां पर आएगा। आ जाओ डोम डोम। अच्छा डोम डोम के पास मौका है भाई रेसलमेनिया का बदला लेने का मौका है। काम करो आप लोग नॉकआउट कर लो, नॉकआउट मैच कर लो एक, देखते हैं कि कौन जीतता है।
डिस्क्वालिफिकेशन, बस मामी ना ना आए तो मुझे लगता है कि डॉम डॉम फिर से रेसलमिनिया के बाद फिर से दोबारा गेमर शॉट में हारेगा अगर मामी नहीं आई तो। देखो मामी इंटरफेरेंस कर सकती है, मामी का कोई भरोसा नहीं रह गया है, ठीक है, आजकल वो लड़कों को भी मारने लगी है तो कोई भरोसा नहीं, और रे मिस्टीरियो को खास करके उठा लिया था तो देखते हैं कि रेसलमेनिया रिपीट होता है या फिर नया रेसलमेनिया डॉम डॉम बनाता है यहां पर। 619 तो सिग्नेचर में हॉल ऑफ फेम रे मिस्टीरियो ने पहला अटैक किया है। इन दोनों का फिनिशर देना काफी मुश्किल होगा क्योंकि दोनों का आई थिंक स्प्लैशी है तो गिराने के लिए एक दूसरे को इंजर्ट करना पड़ेगा और मुझे लगता है ये मैच स्कॉच हो सकता है क्योंकि इतना मारने के बाद एक ही फिनिशर में नॉकआउट हो सकता है। मेरे को ना, मैं सीरियसली बताऊं तो फिनिशर से ज्यादा मेरे को मिस्टीरियोस का सिग्नेचर देखना है, ठीक है। 619 फिनिशर में उतना खास इंटरेस्ट नहीं मेरे को, फिनिशर सिग्नेचर 619। भाई डॉम डॉम तो मामी का नाम रोशन करने के चक्कर में रे मिस्टीरियो काफी पीट रहा है, दोनों की हेल्थ लगभग बराबर है। रे मिस्टीरियो ने भी अच्छा मूव दिखाया है, एक फिनिशर और मुझे लगता है कि डॉम डॉम एलिमिनेट हो जाएगा। ओ जा रहा था रे मिस्टीरियो। अच्छा वैसे स्प्रिंग बोर्ड से भी फिनिशर ही है, ठीक है, फ्रॉग स्प्लैश वो फिनिशर ही है। दोनों का लगभग सेम ही हेल्थ है, कुछ बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा अभी यहाँ पर। मामी ने ट्रेन करके भेजा है, डॉम डॉम बोल रही कि जो काम मेरे पप्पा नहीं कर पाए वो मामी ने कर दिया, ट्रेन कर दिया मेरे को। रे मिस्टीरियो सर आप लोग, आपको रेसलमेनिया रिपीट करना है यहाँ पर। किसी के पास सिग्नेचर आया? किसी के पास भी सिग्नेचर नहीं आया। फिनिशर लगा रहा है क्या डॉम डॉम? नहीं नहीं फिनिशर नहीं है, फिनिशर नहीं है ये, कुछ ज्यादा ही वक्त ना, फिनिशर ही था ऐसा, फिनिशर सर ये फिनिशर ही था। रे मिस्टीरियो ने एक्सपीरियंस दिखाते हुए सुसाइड डाइव के लिए अब जा रहा है डॉम डॉम। डॉम डॉम नहीं, पप्पा है तुम्हारे, आराम से। सुसाइड डाइव, अरे मम्मी भी बैठी हुई ऑडियंस ने, क्या कर रहा है तू? मामी कहां है? मामी नहीं दिख रही है मुझे। मिस्टीरियो फिनिशर लगाओ, रे मिस्टीरियो को फिनिशर लगाने के लिए चढ़ जाओ रूप पे, रूप पे मेरे भाई तक गिराना पड़ेगा और रे मिस्टीरियो के पास सिग्नेचर आ चुका है। ओ पी बैक लगा दिया, हो सकता है कि नॉकआउट हो जाए, पी बैक लगा दिया और हो सकता है कि नॉकआउट हो जाए। पर रे मिस्टीरियो की हेल्थ बहुत ही कम हो चुकी है, एक फिनिशर मैटर ओवर। अरे रे मिस्टीरियो सर ने अपना मोमेंटम इस्तेमाल कर लिया भाई, मुझे 619 देखना था यहाँ पर। अब फिनिशर देने की बारी नहीं है, डॉम डॉम कुछ ज्यादा ही जल्दी उड़ी आ रहा है। मैच देखने से मेरे को लग रहा है ना कि बेटो की टीम की भी कभी इक्वल स्कोर हो जाएगा, मतलब कि ड्रॉ की तरफ जा सकता है मैच, हो सकता है मे बी। रे मिस्टीरियो के पास सिग्नेचर है और डॉम डॉम के पास भी सिग्नेचर है। फिनिशर, फिनिशर के लिए जाएगा डॉम डॉम, फिनिशर लगा दिया। अब पप्पा गए नॉकआउट, पप्पा गए नॉकआउट, बच गया, बच गया भाई, पर स्टंड है। अब तो पप्पा को कोई नहीं बचा सकता भाई। एडी गुरेरो को ट्रिब्यूट, इंसल्ट टू इंजरी, मैच खत्म भाई साहब। क्या ही तो टीम डेटे का स्कोर है 2 और टीम पप्पा का स्कोर है 2। डॉम डॉम ने मामी को आज प्राउड फील करवाया। तो भाई अब आने वाले हैं ब्लड लाइन के बेटे सोलो सिकवा और उनके पप्पा रिकीशी। चलो आ जाओ भाई पप्पा और बेटे। वैसे जे और जिमी के भी पप्पा रिकीशी हैं, लेकिन सोलो सिकवा हील और रिकीशी फेस काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलो भाई देखते हैं कि इस पप्पा और बेटे की जंग में कौन जीतता है। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप ये पप्पा कर सकते हैं, एक काम, बिल्कुल एक काम कर सकते हैं, 2-on-2 लगा सकते हैं, बाप और बेटे और चचा भी आ जाएंगे, उमागा सर भी आ जाएंगे। तो सोलो और जे फाइट करिए, सोलो या जिमी, सोलो फाइट कर लो, सोलो मेरे भाई, और जे और जिमी को एक बंदा रिप्रेजेंट कर लेगा। तो चलो, तो भाई लोग अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके पापा आपको पीटेंगे, अपने पापा के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। तो रिकीशी मेरे भाई आ जाओ और उमागा सर, लेट उमागा सर आइए, उमागा रिकीशी किधर लो भाई साहब। रिकीशी पापा आप कहां छुप गए? रिकीशी सर कहां, किधर रह गए आप? उमागा सर को भी लेना है यार, लेट मत करो। हाँ रिकीशी आ गए, फिलहाल पप्पा आ गए। वैसे अपने बेटों के साथ डब्ल्यूबी के रिंग में काफी बार आए, सोलो के साथ नहीं, जे ओ जिमी के साथ आके काफी डांस मूव दिखाई है रिकीशी ने। अब देखते हैं अपने बेटे को सबक सिखा पाते हैं या नहीं। अभी तक स्कोर इक्वल है, 2-2 का स्कोर चल रहा है। अब देखते हैं कि किसकी टीम की स्कोर आगे जाती है, बाप की या फिर बेटे की। कमेंट करके बताओ यार आप लोग किसके तरफ हो। अब मैच शुरू करो, स्टार्ट। चलो भाई, लेट उमागा सर भी यहां पर आ चुके, चच्चा भी यहां पर आ चुके हैं और दोनों बेटे यानी कि सोलो सिकवा और जिमी उसो यहां पर है। रिकीशी ने शुरू किया है सोलो सिकवा के अगेंस्ट। ओ भाई सब बाप को समोन स्पाइक। अरे उमागा सर देख रहे हो ना, आपका समोन स्पाइक चोरी करके करके क्या कर रहा है सोलो।
उमागा सर लगाओ आप भी एक समुन स्पाइक। अरे हाँ, रियल समुन स्पाइक के मास्टर तो यहीं पर खड़े हुए हैं। दूसरा समुन स्पाइक जा रहा है। चलो रिकीशी सर, डबल रिवर्सल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और टैग दो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, टैग दो, मैटर खत्म करो। पिताजी जा रहे हैं फिनिशर के लिए, इनका फिनिशर ऐसा है कि बेटा खाना खाने लायक नहीं रहेगा। और रिश्ते में तो ये सोलो के पप्पा लगते। तो अपने बेटे को सबक सिखा रहे हैं रिकीशी सर। बोले आजा बेटा, तुझे मैं सिखाता हूँ। अब लगता है सोलो सिखवा गया, बापों का नाम रोशन करते हुए। और ये अरे बच गया, बाप कसम की बच कैसे गया। 1-2 किक आउट कर लिया, पर रेजिलेंस नहीं है सोलो के पास। तो हो सकता है कि इसके बाद वाले फिनिशर में सोलो टाटा बाय बाय घर की तरफ रवाना हो जाए, हो सकता है। ओ भाई साहब, ये दूसरा फिनिशर अगर ये पड़ गया तो सोलो अपनी मम्मी के पास चला जाएगा। बचा लिया है, फिनिशर बचाया सोलो ने। भाई समोन स्पाइक देख देख करके ना उमागा सर को आ रहा है गुस्सा, उनको चाहिए टैग। ठीक है, ये तो भाई साहब यूरिनागी बचा लिया, यूरिनागी बचा लिया, मतलब कि फिनिशर आ गया ना रिकीशी के पास। टैग रिकीशी सर ने उमागा सर को दिया, भाई अपने को चाहिए टैग। और बोला इसे सिखाओ यार, ये अच्छे से नहीं देता है, इसका डबल रिवर्सल हो जाता है, तुम सिखाओ इसे। उमागा सर लगा दो, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही, अगर पड़ा तो गया सोलो। एक समुन स्पाइक मैटर ओवर, तो मास्टर ऑफ समुन स्पाइक बचा लिया। आपको सब स्टार्टिंग से ही बचा लिया, क्या कर रहे हो सोलो, चचा है तुम्हारे, आराम से। उमागा सर की भी हेल्थ है अच्छी खासी, सोलो सिकोर के पास अभी भी एक फिनिशर और सिग्नेचर है। आई थिंक समोन स्पाइक पड़ने वाला है, इंसल्ट हो जाएगी फिर। उमागा सर ये इंसल्ट हो जाएगी, ये इंसल्ट हो जाएगी, मां कसम बता रहा हूं मैं। ओ भाई साहब, ये इंसल्ट हो गई, इंसल्ट। वन बचा लिया, पापा ने बचा लिया। अभी तक स्कोर इक्वल है, पापा का भी एक है और टीम बेटो का भी एक है। उमागा सर एक समोन स्पाइक, दो दो स्कोर है भाई। फिनिशर लगाओ, फिनिशर बचा लिया उमागा सर ने। उमागा सर समोन स्पाइक लगाने जा रहे हैं, बचाने मत देना, गया। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी इंसल्ट हो रही है, ये बहुत बड़ी बड़ी। उमागा सर ने भी बचा लिया, मां कसम ये क्या ही बचाया है। अरे हाथ हटाने का स्टाइल मेरे को पसंद आया भाई, गले पे हाथ मत रखो, चचा है हम तुम्हारे। अब तो गया सोलो, खत्म खत्म, एलिमिनेटेड। स्पाइक और मैटर खत्म, ये होता है रियल समोन स्पाइक। उमागा सर भी जाने वाले हैं, टाटा उमागा सर भी। आप बेटे और बाप और बेटी की शुद्ध और खालिश लड़ाई होगी, और जिमी की भी हेल्थ अच्छी खासी है, और रिकीशी सर की भी हेल्थ बहुत ही अच्छी खासी है। लेकिन रिकीशी सर एक फिनिशर खा चुके हैं, पर रिकीशी सर को कोई ब्लेम नहीं करेगा, बिकॉज जो भी वो करेंगे ही डिड इट फॉर द रॉक, वो सिर्फ रॉक के लिए करेंगे। ठीक है, उनको कोई ब्लेम नहीं करेगा, बेटे को मारने का मन नहीं है उनका, रॉक ने भेजा। बेटे ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं लगाया है और बाप ने भी नहीं लगाया, दोनों के पास दो दो फिनिशर है। लेकिन रिकीशी सर के पास सिग्नेचर भी है भाई, बाहर भी फिनिशर लगा सकते हैं रिकीशी सर। मैच अब बाहर की तरफ आ चुका है, देखते हैं यहाँ पर फिनिशर कौन लगाता है, जिमी उसो या फिर रिकीशी सर। ये भी बैठ के पब्लिक में कहीं देख रहा होगा, बहुत ज्यादा ये हो चुका है, डैमेज हो चुका है, बहुत खतरनाक डैमेज हो चुका है। ठीक है, वो कभी भी जा सकता है, पर रिकीशी सर की तुम हेल्थ देख सकते हो। ठीक है, लेकिन रिकीशी सर अगर एक फिनिशर में नॉकआउट हो गए, मेरे को तो लगता है कि रिकीशी सर को फिनिशर भी देने का मौका नहीं मिलेगा, आराम से वो लगता है नॉर्मल मूव्स में चला जाएगा। जिमी जिमी यार, तू अपने आप को ट्राइबल चीफ बोल रहा है भाई, क्या हो गया, घुमा घुमा के रिकीशी सर इसको मार रहे हैं यार, क्या यार, तू क्या ही फाइट करेगा अपने पप्पा से, इससे अच्छा जे उसे उसको मिल लेता भाई। ऑडियंस में कहीं छुपा बैठा होगा जे उसे मेरे भाई कहां है तू। रोमर एक ये सीन काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा कि सही है अंकल, मारिए से रिकीशी मार रहा होगा कि क्यों तूने तोड़ा ब्लड लाइन को, रोमर इसके साथ क्यों छोड़ा। अंदर जाने वाला है रिकीशी, स्टंड हो गया। अब गई हेल्थ आराम से, बहुत लंबी हेल्थ गई। ओ भाई साहब, अंदर भी गया, स्प्लैश से मैच खत्म होने वाला है। नहीं स्प्लैश नहीं पड़ा फिनिशर के लिए, अरे नॉर्मल बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पिन से तो अभी नहीं होगा फिलहाल। वन रेजिस्ट नहीं है पर नहीं, थ्री मैच खत्म। ओ भाई साहब, रिकीशी सर इतनी तो हेल्थ थी आपके पास, क्या कर रहे हैं। जिमी ने दिखा दिया है कि बेटा भी बाप से कम नहीं है, स्कोर है टीम बेटे का 3 और टीम बाप का 2। भाई सोलो तू तो इतना सेलिब्रेट मत ही कर, तू चला गया था पहले ही समुद्र स्पाइक से, तू मत। लेकिन उमागा को भेज के गया था भाई, ऐसे नहीं गया था सोलो। तो जिमी और सोलो ने अपने पप्पा रिकीशी और अंकल उमागा को हरा दिया है, दोनों काफी खुश है। तो चलो देखते हैं कि अब नेक्स्ट बाप बेटी की कौन सी जोड़ी आने वाली है। तो उंगलियां कर लो ऊपर, ठीक है, उंगलियां तुम लोग कर सकते हो ऊपर, क्योंकि सीका अनोआ आ रहे हैं, जो कि रोमन के लिए नहीं, ना 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 रोमन के लिए नहीं, सीका अनोआ जो कि रोमन एक्स के
पप्पा लगते हैं रिश्ते में। तो आ जाओ मेरे भाई सिक्का नुआ लेस। अरे भाई कहाँ हो आप, आ जाओ जाओ। तो अब ये देखते हैं कि रोमन रेंस अपने पप्पा से जीत पाता है। यार ये पप्पा ने आके कांग्रेचुलेट किया था यार हेल इन द सेल में आके। अब पप्पा कैसे अगेंस्ट हो गए रोमन रेंस के? भाई सिक्का नुआ लगता है कि अपना टाइम ले रहे आने के लिए। अरे यार मिल जाओ यार सिक्का नुआ, क्या कर रहे हो? तो बस रोमन रेंस के पप्पा सिक्का अनुआ कहा? जब तक सिक्का अनुआ आ रहे हैं, आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया भाई तो बहुत गलत किया, लाइक कर दो भाई। तो आ गए भाई समोन सिक्का रोमन रेंस के पप्पा और उंगलियां तो ऊपर हो ही गई होंगी अभी। अब देखते हैं कि इस पप्पा और बेटे की जंग में कौन जीतता है। मुझे लगता है कि पप्पा जीतने वाले हैं इस मैच में। पिन का मैच कर लो, चलो ठीक है पिन का मैच कर लो तुम लोग। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन रख देते हैं। चलो फर्स्ट काउंट एनीवेयर ऑन टीप फिनिशर मीडियम हेल्थ कांड करो। तो चलो देखते हैं कि इस बाप और बेटे की जंग में कौन जीतता है, रोमन रेंस या सिक्का। इट्स वाइल्ड समोन सिक्का वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एक काम करो, तुमने माला दी थी, तुम माला छीन लो, मैं सच्ची बता रहा हूं। रोमन रेंस वर्सेस सिक्का का मैच हो रहा है, देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है। लेकिन अगर ये मैच स्क्वॉश नहीं कर पाए सिक्का तो वो टाई करेंगे अपने टीम बेटों के साथ। रोमन रेंस ने पहला फिनिशर लगा दिया पर नहीं कांड हो गया। नहीं टैप आउट मत करना, पूरी किसी वाला मत करना कांड, टैप आउट मत करना। टीम बेटों को स्कॉच स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सिक्का ने स्कॉच कर दिया तो भाई हारा हुआ मैच जीत जाएंगे ये लोग। सिक्का का फिनिशर क्या है भाई, मुझे देखना है। बाहर बार बार मैच बाहर की तरफ जा रहा है और बाहर कुछ भी कांड हो सकता है। सिक्का वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। लेकिन अगर टीम सिक्का जीत जाती है तो वो इक्वल ही करेंगे टीम बेटों के साथ स्कोर। भाई समोन ड्रॉप यार, सीरियसली बहुत टाइम के बाद एक तगड़ा समोन ड्रॉप देखा। रोमन रेंस ने भी स्पीयर लगा दिया और रेजिलेंस नहीं है सिक्का के पास, रेजिलेंस नहीं है। वन टू किक आउट कर दिया है। देखो रोमन्स को ना, रोमन को लगातार दो दो बार फिनिशर लगाना होगा तब जाकर कि हो सकता है कि रोमन का पिन होगा, क्योंकि मेरे भाई रोमन के पास रेजिलेंस है। ठीक है लगाओ फिनिशर के लिए नहीं लगाओ, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। वो कितना भी डैमेज हो जाएगा नहीं यूज मत करना रोमन फ्री फोकट का। वन टू सिग्नेचर भी नहीं यूज कर लिया, एक स्पीयर और मैच खत्म हो सकता है। सिर्फ अब लगता है स्पीयर जा रहा है समोन स्पीयर। सिक्का भाई क्या कर रहे हो? और अब लगता है बेटे जीत गए यहां पर। वन टू थ्री और रोमन रेंस की विक्ट्री के साथ ही बेटू की विक्ट्री भी हो चुकी है। तो दो और चार टीम बेटे यहां पर जीत के निकल चुके हैं। पप्पा को बोले कि आप लोगों का रिटायर होने का वक्त आ गया है, अब हमारा जमाना चल रहा है। तो चलो भाई लोग ये रही हमारी आज की वीडियो, और तुम लोगों ने अगर अभी तक बैठ करके देखा और लाइक नहीं किया है तो अरे पप्पा चप्पल से मारेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू। तो भाई लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट।